आपके बारे में अगर झूठी खबर फैलती है और आपको तकलीफ होती है तो आपको समझना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी में हैं। लेकिन अगर आपके बारे में सही खबर फैलती है और आपको दिक्कत होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप ऑटोक्रेसी में हैं। जैसे कि ये ध्रुव राठी की जो वीडियो है उसके चलते हुआ है। लेकिन एक बात तय है, ध्रुव राठी को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो परदेश बैठे बैठे मोदी के खिलाफ, यानी कि राज्य के खिलाफ, यानी कि देश के खिलाफ, यानी कि पूरे विश्व के खिलाफ ऐसी साजिश करें। अब ध्रुव राठी का जॉर्ज सोरोस से क्या कनेक्शन है वो तो खैर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अव्वल बात यह है कि ये ध्रुव राठी का कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कोई थोड़ा मतलब चल सकता है। तो हमने पहले तो ये सोचा कि अमेरिका के ऊपर धावा बोल देना चाहिए। मतलब अमेरिका क्या चीज है, हम अमेरिका को आसानी से हरा सकते हैं और वहां से ध्रुव राठी को उठाकर ला सकते हैं, पीछे घसीट कर ला सकते हैं यहां पर, और डाल देंगे उमर खालिद के साथ। आप और चीज तो छोड़िए, बेल की सुनवाई नहीं हो पाएगी फिर। लेकिन ऐसा कहने पर किसी ने याद दिलाया, आप विजय माल्या, नीरव मोदी तक को नहीं ला सके, ध्रुव राठी को क्या लाएंगे? फिर हमने सोचा कि अमेरिका भी देश है, वहां पर ईडी होगा, सीबीआई होगा, भाई हमारा इतना अच्छा मित्र है अमेरिका तो हमारे लिए इतना नहीं करेगा, अब तो हम अमेरिका में भी सुपारी देने लगे हैं। अरे चलिए सरकारी एजेंसियों की बात छोड़िए, बुलडोजर तो अमेरिका में होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये बुलडोजर जस्टिस जो चीज है वो इतनी इनोवेटिव है, इतनी मौलिक है कि इसके चलते हम विश्व गुरु बन सकते हैं। फिर समझ में आया कि ये पूरा जो हुल्लड़ मचा है वो गूगल की वजह से है। गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मोदी को फासिस्ट करार दे रहा है, और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बंदा भी करीब करीब वही चीज कह रहा है। तो गूगल को दबोचो, और अगर गूगल को दबोचते हैं तो फिर ना रहेगा यूट्यूब का बांस, और ना रहेगी ये राठी की, या तो रविश कुमार की, या तो आकाश बनर्जी की, या ऐसे लोगों की बांसुरिया।